हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का प्रश्न पत्र साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीजन में हुए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए लेवल 3 के लिए 33% जनरल सिलेक्शन का जो कोटा होता है LDC कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में, उसका दोस्तों आज हम लोग प्रश्न पत्र हल करेंगे। दोस्तों, अगर आप एक रेलवे एम्प्लॉय हैं तो यह YouTube चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे के प्रमोशन के लिए। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, माल भाड़ा तालिका के लिए माल टैरिफ संख्या क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 49। प्रश्न संख्या 2, प्लूलर ऑफ चाइल्ड इज डैश। तो फिल इन द ब्लैंक्स, आपको पता ही होगा कि CCTC के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें से इंग्लिश ग्रामर का भी क्वेश्चन दोस्तों 10-15 पूछा जाता है। तो दोस्तों, उसी टाइप से आप लोग तैयारी भी कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैंने इंग्लिश ग्रामर से जुड़े हुए नोट्स डाल दिए हैं जो आपके तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज डैश। तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स में भराएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चिल्ड्रेन। प्रश्न संख्या 3, रेलवे डिवीजन का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी DRM। प्रश्न संख्या 4, माल भाड़ा तालिका में दी गई भाड़ा दर प्रति डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टन। प्रश्न संख्या 5, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 7। प्रश्न संख्या 6, वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अश्विनी वैष्णव। प्रश्न संख्या 7, संपूर्ण सेवा में कितने MSP की अनुमति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3। प्रश्न संख्या 8, पार्सल ट्रैफिक में न्यूनतम प्रभार भार क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10 kg। प्रश्न संख्या 9, साइना नेहवाल डैश के साथ जुड़ी हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन। प्रश्न संख्या 10, सी इज डैश होम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एट होम ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11, आई डैश फीलिंग कोल्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए IM फीलिंग कोल्ड। प्रश्न संख्या 12, हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जनगणमन। प्रश्न संख्या 13, विराट कोहली डैश के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट। प्रश्न संख्या 14, AC 2-tier वर्ग के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ₹50। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अधिकतम स्तर की पारदर्शिता प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कांच। प्रश्न संख्या 16, आई हैव नॉट सीन यू डैश 2009। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सिंस 2009। प्रश्न संख्या 17, दिस इज डैश मैन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द मैन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ द इंस्टीट्यूट। प्रश्न संख्या 18, शिकायत पुस्तिका में प्रत्येक शिकायत पत्र में कितनी प्रतियां होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 3। प्रश्न संख्या 19, यदि x बराबर 12 x प्लस y बराबर 20 तो y का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 8। प्रश्न संख्या 20, यदि एक वृत्त का व्यास 8 cm है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 21, आई केम डैश अमेरिका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आई केम फ्रॉम अमेरिका। प्रश्न संख्या 22, पोलियो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पैर को। प्रश्न संख्या 23, सूर्य किस दिशा में उदय होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पूर्व दिशा में। प्रश्न संख्या 24, वर्ष के किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फरवरी। प्रश्न संख्या 25, एक मीटर कपड़े की कीमत 160 रुपया है, तो 17 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी, तो दोस्तों इसको आप लोग हल कीजिएगा, तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, 2720। प्रश्न संख्या 26, विश्वनाथ आनंद डैश से जुड़े हुए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शतरंज। प्रश्न संख्या 27, व्हाट डैट यू से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, व्हाट डिड यू से। प्रश्न संख्या 28, एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 11। प्रश्न संख्या 29, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हुबली। प्रश्न संख्या 30, जब कोई ट्रेन 3 घंटे से अधिक की देरी से चल रही है तो आरक्षित टिकट रद्द करने पर क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पूरी राशि वापस की जाती है। प्रश्न संख्या 31, IRTS का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। प्रश्न संख्या 32, द्वितीय श्रेणी ए पास धारक किस श्रेणी में यात्रा करने का हकदार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3-tier AC। प्रश्न संख्या 33, 1000 में कितने जीरो होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3। प्रश्न संख्या 34, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7। प्रश्न संख्या 35, हाउस रेंट अलाउंस को डैक्स वर्गों में विभाजित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, XYZ। प्रश्न संख्या 36, राष्ट्रीय अवकाश भत्ता अधिकतम कौन सा मैट्रिक स्तर के कर्मचारियों का भुगतान करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्तर 8 तक राजपत्रित कर्मचारी को। प्रश्न संख्या 37, हाउ मैनी पीपुल डैश इन द इन योर फैमिली, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर देयर इन योर फैमिली। प्रश्न संख्या 38, दे डैश इन द रूम, तो इसका सही जवाब होगा दे आर इन द रूम। प्रश्न संख्या 39, पितृत्व छुट्टी डैश दिनों के लिए प्रदान किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 15 दिनों के लिए। प्रश्न संख्या 40, पितृत्व छुट्टी डैश बच्चों तक हकदार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 बच्चों तक। प्रश्न संख्या 41, प्रसूति अवकाश के रूप में कितने दिन का अवकाश दिया जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 180 दिन। प्रश्न संख्या 42, देज डैश बुक, तो इसका सही जवाब देज आर बुक। प्रश्न संख्या 43, इस श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात भरिए, 6, 12, 18, -30, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24, 30। प्रश्न संख्या 44, माल ढुलाई के लिए उच्चतम श्रेणी क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 200। प्रश्न संख्या 45, भारतीय रेलवे के किस जंक्शन स्टेशन में उच्चतम मार्ग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। प्रश्न संख्या 46, कोकिंग कोल का ट्रेन लोड क्लास क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 145A। प्रश्न संख्या 47, DAR नियमों के तहत अपील की अवधि डैश दिन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 45 दिन। प्रश्न संख्या 48, चबाने और निगलने के बाद भोजन शरीर के किस अंग में जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पेट में। प्रश्न संख्या 49,
स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जॉन मथाई। प्रश्न संख्या 50, पीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 51, ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र निवारण के लिए है, किसके लिए है? तो यह है रेलवे कर्मचारियों के लिए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 52, रेलवे कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का नाम बताइए? तो इसका अभी तुरंत जिक्र हुआ था निवारण, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 53, एसी प्रथम श्रेणी में सामान ले जाने की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 150 kg। प्रश्न संख्या 54, माइनर पेनल्टी चार्जशीट जारी करने के लिए कौन सा फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी SF11। प्रश्न संख्या 55, लोकप्रिय रूप से किसको भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम। प्रश्न संख्या 56, मानार्थ पास में कितने आश्रितों की अनुमति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अधिकतम 2। प्रश्न संख्या 57, द्वितीय श्रेणी में सामान ले जाने की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 70 kg। प्रश्न संख्या 58, ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे से अधिक समय पहले रद्द किए जाने वाले फर्स्ट एसी श्रेणी के आरक्षित टिकटों के लिए प्रति यात्री न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 240 रुपया। प्रश्न संख्या 59, एसी 3 टीयर क्लास में तत्काल चार्ज करने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 500 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 60, IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। प्रश्न संख्या 61, फाइंड आउट द पास्ट फ्रॉम विन ऑफ विन, तो इसका सही जवाब होगा वून। प्रश्न संख्या 62, ग्रुप 2 माल शेड में घाट शुल्क प्रभारों की वर्तमान प्रतिवेगन प्रति घंटा दर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 120। प्रश्न संख्या 63, ग्रुप सी माल शेड में घाट शुल्क प्रभारों की वर्तमान प्रति बैगन प्रति घंटा दर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 75 रुपया। प्रश्न संख्या 64, 5 भुजाओं वाली अकेतु को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पंचकोण, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। प्रश्न संख्या 65, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मुंबई। प्रश्न संख्या 66, रिक्त के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 758 माइनस वाट बराबर 343। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो हल कीजिएगा तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 415। प्रश्न संख्या 67, STBA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 68, मॉडर्न कोच फैक्ट्री डैश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रायबरेली। प्रश्न संख्या 69, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गोवा। प्रश्न संख्या 70, व्हाट डैश यू डूइंग, तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग। प्रश्न संख्या 71, रेलवे एक्ट 1989 में धोखाधड़ी से यात्रा करने और उचित पास या टिकट के बिना यात्रा करने का प्रयास करने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धारा 137। प्रश्न संख्या 72, इस समीकरण में सही लुप्त संख्या का चयन कीजिए, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी 4155। प्रश्न संख्या 73, रेलवे एक्ट 24/1989 में यात्री डिब्बे ट्रेन में धूम्रपान करने पर जुर्माने का प्रावधान क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धारा 167 के तहत। प्रश्न संख्या 74, यू डैश सी ए डॉक्टर, तो इसका सही जवाब होगा यू ऑल देज सी ए डॉक्टर।
प्रश्न संख्या 75, रेलवे एक्ट 2489 में शराब पीने या उपद्रव करने पर जुर्माने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो यह है धारा 145। प्रश्न संख्या 76, प्रेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। प्रश्न संख्या 77, आयरन ओर का ट्रेन लोड क्लास क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 165। प्रश्न संख्या 78, माल शेड के 2400 घंटा काम करने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, DRM के द्वारा। प्रश्न संख्या 79, FPFT का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों प्राइवेट फ्राइट टर्मिनल। प्रश्न संख्या 80, वे कौन से तीन स्तर है जहां PNM की बैठक आयोजित की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेलवे बोर्ड स्तर पर, जोनल स्तर पर और मंडल स्तर पर। प्रश्न संख्या 81, डिवीजन स्तर पर प्रेम के बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मंडल रेल प्रबंधक यानी DRM साहब। प्रश्न संख्या 82, सुपुर्दगी लेने की सूचना रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत की गई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 83-84। प्रश्न संख्या 83, जापान की मुद्रा डैश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, येन। प्रश्न संख्या 84, पहली दुरंतो एक्सप्रेस डैश से डैश स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सियालदह से नई दिल्ली के बीच। प्रश्न संख्या 85, CRT का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों कंटेनर रेल टर्मिनल, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 86, माल यातायात में व्यस्त मौसम अधिभार की दर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 15%। प्रश्न संख्या 87, मानव शरीर की बुकिंग के लिए प्रभावी वजन क्या है यानी मृत शरीर के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 200 kg। प्रश्न संख्या 88, भारत में दूसरी ट्रेन कब चलाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 15-8-1854 को। प्रश्न संख्या 89, ही इज गुड डैश ड्रॉइंग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एट ड्रॉइंग। प्रश्न संख्या 90, पार्सल के नुकसान क्षति के लिए रेलवे की मौद्रिक देयता क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 50 रुपया प्रति किलोग्राम। प्रश्न संख्या 91, भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पीर पंजाल। प्रश्न संख्या 92, सैन्य वारंट संख्या डैश के बदले चेक सैनिक वार टिकट जारी किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, IAFT 1752। प्रश्न संख्या 93, RDSO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न संख्या 94, एक आदमी के पास 800 रुपये की रकम थी, उन्होंने इसका 25% खर्च किया, तो उसके पास कितना रुपया बचा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 600 रुपया। प्रश्न संख्या 95, सिस्टम अपग्रेडेड यात्री को अपग्रेडेड सीट बर्थ कब्जे में लेने पर डैश तो उसको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है? प्रश्न संख्या 96, रेलवे सेवा आचरण नियमों के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नियम 5। प्रश्न संख्या 97, ITI अधिनियम द्वारा कवर किए गए प्रत्येक प्राधिकरण को नियुक्त नामांकित करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोक सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। प्रश्न संख्या 98, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन डेस्क स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में। प्रश्न संख्या 99, किस समिति की रिपोर्ट पर रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक वर्ष समिति के आधार पर। प्रश्न संख्या 100, एक जब चेक सैनिक टिकट जारी किया जाता है तो शुल्क क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रक्षा विभाग को डेबिट किया जाएगा। और दोस्तों
अब आपको पता ही होगा कि रेलवे के जितने भी LDC एग्जाम होते हैं उसमें से 10 नंबर महत्वपूर्ण राजभाषा से पूछा जाता है। तो आइए राजभाषा के प्रश्न को भी दोस्तों देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 9 अनुच्छेद। प्रश्न संख्या 102, केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पारंगत, सॉरी प्राग्ञ होगा इसका ऑप्शन। प्रश्न संख्या 103, संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाग 17। प्रश्न संख्या 104, हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन क्या क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नगद पुरस्कार, एकमुश्त पुरस्कार और व्यक्तिगत वेतन। प्रश्न संख्या 105, हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर किस रूप में दिया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल हिंदी में। प्रश्न संख्या 106, हिंदी निबंध वाक और टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में सहभागिता करने के लिए कौन से क्षेत्र में हिंदीतर भाषी प्रतिभागी को कृपांक यानी ग्रेस मार्क दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गो क्षेत्र। प्रश्न संख्या 107, वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के विज्ञापन यानी टेंडर नोटिस आदि के किस क्रम में समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषा रूप में। प्रश्न संख्या 108, हिंदी में कविता पुस्तकें लिखने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। प्रश्न संख्या 109, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्री बाल गंगाधर खेर। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, हिंदी में किए गए या हस्ताक्षरित आवेदन अपील अभ्यर्थन का उत्तर किस रूप में दिया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल हिंदी में। तो दोस्तों ये थे CCTC के पेपर साउथ वेस्टर्न रेलवे के, जो 19/7/2023 को दोस्तों कंडक्ट करवाया गया था। तो आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप एक नए रेलवे एम्प्लॉय हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। यह चैनल रेलवे विभाग या परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र अपलोड करवाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।